उसमें ऐसा होता है कि आपके अगेंस्ट में सिर्फ इम्यूनेटर प्लेयर आएंगे, मोबाइल के प्लेयर्स बिल्कुल नहीं आएंगे। सड़ी के अब तो सच बोल दे भोसड़ी के। तो क्या हाल है आप सबका? आज हम बात करेंगे इंडिया के सबसे टट्टी चैनल डायनमो गेमिंग के बारे में। तो आज हम घेरेंगे डायनमो के सबसे बड़ी चुदम पट्टियों को। तो यार वीडियो को प्लीज पूरा देख लो। तो यार कुछ ही दिन पहले की बात है, मैं डायनमो का सबसे बड़ा फैन हुआ करता था, लेकिन कुछ दिनों से डायनमो को बहुत सारे लोगों ने एक्सपोज करना स्टार्ट कर दिया। मैंने डायनमो की सारी बकचोदी को बहुत ही प्यार से निहारा और रिजल्ट बिल्कुल साफ था। ये बंदा 10 महीनों से सारे लोगों को बस चूतिया बना रहा है, तो आज उसको नंगा करके पेला जाएगा। खैर ज्यादा टाइम का चूतिया ना काटते हुए शुरू करते हैं आज का वीडियो। मुझे सांप के बच्चे बिल्कुल पसंद नहीं है। काबुला थारे कचहरी में मादर जात। मुझे सांप के बच्चे बिल्कुल पसंद नहीं है। देखो यार बेशर्मी की एक हद होती है और इस इंसान ने उस हद की गांड मार के रखी है। जो बंदा पबजी पीसी में खुद घंटों तक सांप बन के घूमता है, आज वही बंदा पबजी मोबाइल को एमुलेटर में खेल के 2-4 बॉट्स को मार के सांपों से नफरत करने लगा है। जो काम आप खुद करते हैं उसके लिए आप दूसरों को ब्लेम कभी नहीं कर सकते। मतलब तुम करो तो शेर का बच्चा और हम करे तो सांप का बच्चा, ये तो बहुत नाइंसाफी है। गोली नहीं मारेंगे साले को, कह खेलेंगे उसके। तो वो श्राउड रहेगा बिकॉज उसी से हमने गेम खेलना सीखा है। इनफैक्ट मेरी जितनी भी टेक्टिक्स होती है मोस्ट ऑफ ऑल मैं उससे सीखता हूँ। और झूठी भक्ति दिखाना कोई इनसे सीखे। जैसा कि आप सब जानते हैं कि श्राउड पबजी पीसी खेलता है और उसने पबजी मोबाइल आज तक नहीं किया। श्राउड पबजी खेलता है एफपीपी में और ये खेलता है टीपीपी, और टीपीपी और एफपीपी में जमीन आसमान का फर्क है। और श्राउड कभी टीपीपी खेलता ही नहीं, वो टीपीपी को चीटिंग मानता है। डायनमो जी झूठ उतना ही बोला कीजिए जितना कि लोग झेल सकते हैं, उससे ज्यादा मत बोला कीजिए। पिछले सीजन में मैं कॉन्करर में था और मैं एशिया के टॉप 5 मेंबर्स में से एक था, जिसमें मेरा नंबर था आई थिंक 4th आ चुका था। तो कॉन्करर सबसे हाईएस्ट लीग होती है पबजी में। अगर आप एक पबजी प्लेयर है तो आपको पता होगा मोबाइल और एमुलेटर की लीग सेम होती है। तो भाई साहब आप इतनी शान से बोलने की औकात नहीं रखते। एक बार यार तुम खुद सोचो, तुम मोबाइल में खेलते हो और तुम्हारा दोस्त कीबोर्ड और माउस लगा के खेलता है, तो तुम उससे आगे कभी नहीं जा सकते। तुम्हें एक हेडशॉट मारने के लिए अपना उंगली 10 बार अपने डिस्प्ले पे रगड़ना पड़ता है, वो बंदा बस अपनी माउस हिलाता है। तो तुम आइडिया लगा सकते हो कि मोबाइल और एमुलेटर में कितना ज्यादा फर्क है। मैं FPS में काफी अच्छा खेलता था, तो मैंने FPS गेम ही पकड़ा है और मैं उसी को आगे लेके जा रहा हूँ, बिकॉज मुझे पता है कि मेरा इस गेम में, इस सीन में मेरा काफी अच्छा हाथ है और मैं इसमें काफी अच्छा कर सकूंगा। तो भैया पबजी पीसी खेलो, इतना बड़ा बवाल हो गया, कम से कम एक दिन तो पबजी पीसी खेल के लोगों को दिखाओ। वैसे सबको पता है तुम पबजी पीसी में कितने बड़े लेवल के प्रो हो, और ये गलतफहमी तुम अपने दिमाग से हटा दो कि तुम इंडियन गेमिंग कम्युनिटी को आगे ले जा रहे हो। मोबाइल गेम को पीसी में खेल के तुम बस लोगों को चूतिया बना रहे हो और कुछ। अगर तुम सच में इंडियन गेमिंग कम्युनिटी को आगे लेना चाहते हो यार, प्लीज पबजी टूर्नामेंट्स खेलो और इंडिया को रिप्रेजेंट करो, या फिर अपने व्यूअर्स को न्यू गेम से इंट्रोड्यूस करवाओ, तब बढ़ेगा इंडियन गेमिंग कम्युनिटी आगे। तो यार आज के लिए बस। अगर वीडियो अभी तक देख रहे हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक भी कर दो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।